Hello everyone and welcome back to Bhavika's Motherhood Journal. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे भूख नहीं लगती है, कुछ खाना खाने का मन नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं और इसको ठीक करने के लिए आप क्या चीजें कर सकते हो। तो प्रेगनेंसी के दौरान भूख ना लगने के पीछे चार रीजन हो सकते हैं। नंबर वन रीजन है नोज या वॉमिटिंग। अक्सर प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने के दौरान हमें नोज या वॉमिटिंग होती है। नोज यानी ऐसे हमें फील होगा कि जैसे वॉमिटिंग होने वाली है लेकिन होती नहीं है, जैसे ऐसे फील होगा कि कुछ ऊपर आ रहा है, उबका आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कुछ खा लेंगे तो फिर वॉमिट हो जाएगी, जिसकी वजह से भी हमें खाना खाने का मन नहीं करता। दूसरा रीजन हो सकता है हमारा डाइजेशन। जैसे प्रेगनेंसी में हमारा थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, जिसकी वजह से भी हमें ज्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है। तीसरा रीजन हो सकता है फूड अवर्जन। फूड अवर्जन यानी जैसे कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर फूड की हमें बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है, बहुत ही ज्यादा उसका टेस्ट फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे नोज के अंदर जो स्मेल बर्ड होते हैं, हमारे टंग के ऊपर जो टेस्ट बर्ड होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें सारी चीजों की स्मेल और उसका टेस्ट ज्यादा फील होता है, जिसकी वजह से भी कई बार ऐसा होता है ज्यादा स्मेल आने की वजह से उस चीज से हमें नफरत हो जाती है, हमें वो खाने का मन ही नहीं करता है। जैसे कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी से पहले कोई चीज आपकी बहुत ही पसंदीदा होती है लेकिन अचानक से प्रेगनेंसी के दौरान वो चीज आपको बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है, तो ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो इसकी वजह से भी अक्सर ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। चौथा रीजन हो सकता है गैस एसिडिटी। प्रेगनेंसी के दौरान गैस एसिडिटी होना भी बहुत ही कॉमन है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, स्लो डाइजेशन की वजह से हमें गैस एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से भी हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर खाते रहना है। आपको जैसे कुछ खाने का मन नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप नारियल पानी ले सकते हो, आप नींबू पानी ले सकते हो, आप फलों का रस ले सकते हो, आप सूप पी सकते हो, या फिर कोई भी फल अगर आपको जो पसंद है, जैसे एप्पल अगर आपको पसंद है तो एटलीस्ट वो खा लीजिए। तो आपको एक साथ पेट भर के भी नहीं खाना है। जैसे अगर आप एक साथ पेट भर के खाना खा लोगे और फिर अगर आप 4-5 घंटे के लिए कुछ नहीं खाओगे तो फिर वो ठीक नहीं है, उससे फिर आपको गैस एसिडिटी की परेशानी ज्यादा होगी। तो आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहना है, जो भी आपको पसंद आए, जो भी हेल्दी चीजें आपको पसंद आए वो दिन भर आपको थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। आप दूध पी सकते हो या फिर आपकी डाइट में आपको प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा इंक्लूड करनी है, तो इससे क्या होगा कि बेबी की पोषण में भी कोई कमी नहीं होगी और फिर धीरे धीरे आपकी भूख भी इंक्रीज होगी। और अगर पहले 3 महीने के दौरान ये सारी चीजें हो रही है तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका सेकेंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट होगा, फिर से आपकी नॉर्मल जो डाइट होगी उसके ऊपर आप वापस से आ जाओगे, नॉर्मली आपको भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, अगर उसके बाद भी ये सारी परेशानी आपके साथ हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग फिर भी कंटिन्यू हो रही है, फिर भी आपको बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो फिर आप डॉक्टर को जरूर से कंसल्ट करें। वो फिर आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि आपकी भूख इंक्रीज हो और आप नॉर्मली खाना खाना स्टार्ट कर पाओ। सो इन शॉर्ट, आपको थोड़ा थोड़ा दिन भर खाते रहना है, धीरे धीरे फिर आपकी भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी।
अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।